है एवरीवन आज हम करेंगे क्लास फोर की एसएसटी का चैप्टर नंबर टेन मिनरल्स मैनी ऑफ थिंग्स वी यूज़ एवरी डे आर मेड ऑफ मिनरल्स आज के टाइम में हम जो बहुत चीज़ें यूज़ करते हैं वो मिनरल्स की बनी हुई होती हैं लुकिंग अराउंड अस इस्टार्टिंग फ्राम द टूथ पेस्ट यू यूज़ एवरी मॉर्निंग एंड द मेटल कुक वे आर यूज़ टू प्रिपेयर योर मील्स टू द मेटल होक्स बटंस और जिपर्स ऑन और क्लोज ऑल दीज आर मेड ऑफ मिनरल्स अगर हम देखा जाए सुबह टूथपेस्ट से लेकर और जो हम कपड़े पहनते हैं जिसमें हम हम खाना बनाते हैं हर चीज़ किससे बनी हुई है कहीं ना कहीं मिनरल उसमें यूज़ हुआ हुआ है यूज़ हो रहा है उसमें मिनरल्स आर एन इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स दैट अकर्स इन द अर्थ क्रस्ट मिनरल जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है मतलब ये हमें नेचुरली मिलता है मैन मेड नहीं है मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं मिनरल्स को बनने में और ये अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है अर्थ क्रस्ट मीन्स अर्थ के अंदर पाया जाता है और बहुत ही ज़्यादा गहराई में पाया जाता है और मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं इसको बनने के लिए दे इंक्लूड रॉक्स एंड मेटल्स और ये किस चीज़ से बना होता है रॉक्स और मेटल से बना हुआ है होता है दे रेंज फ्राम रेयर वैल्यूएबल डायमंडस टू मिनरल ओर देट ईल्ड मेटल्स अब इसमें भी रेंजेस आती हैं कि डायमंड्स जहाँ से मिनरल ओर से जिन मिनरल और से डायमंड्स निकलता है तो मिनरल ओरस भी होते हैं डायमंडस भी होते हैं और इस तरीके से कुछ मेटल ईल्स भी होते हैं मतलब जहाँ से आप मेटल को निकाल सकते हो एक्सट्रैक्ट कर सकते हो वो सारी रेंजेस आपको यहाँ पर मिलेंगी और जो हमारे डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं और यूज़ करते हैं मिनरल्स हैव बीन ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू अस फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स मिनरल जो है उसकी एक अपनी अलग ही महत्ता है अर्ली ह्यूमस लर्न टू मिक्स कॉपर एंड टीन टू मेक एन अलाव कॉल्ड ब्रॉन्ज जो अर्ली मैंस थे उन्होंने क्या किया था अर्ली ह्यूमंस जो थे उन्होंने क्या किया था कॉपर और टिन को मिक्स कर दिया था और उन्होंने एक एलॉय बनाया था ब्रॉन्ज लेटर दे लर्न टू यूज़ आयरन टू मेक टूल्स एंड वेपन्स और उसके बाद उन्होंने सीखा कि किस तरीके से वो आयरन के टूल्स और वेपन्स बना सकते हैं मिनरल्स आर फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ मिनरल जो है कहाँ मिलते हैं अर्थ के बहुत ही डीप में मिलते हैं द प्रोसेस बाय विच मिनरल्स आर डग आउट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड माइनिंग वो कौन सा प्रोसेस है वो एक प्रोसेस जिससे हम आ, मिनरल को अर्थ के अंदर से निकालते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं माइनिंग होल्स आर ड्रिप्ड डीप इन टू द अर्थ टू टेक आउट द मिनरल्स अब क्या करते हैं होल्स होल्स uh, बनाए जाते हैं होल्स डिक किए जाते हैं ताकि अर्थ के अंदर से मिनरल्स को निकाल सकें इन्हीं होल्स को क्या कहते हैं माइंस कहते हैं मिनरल्स मस्ट बी रिफाइंड बिफोर यूजिंग दैम एज मेटल और फ्यूल मिनरल्स को क्या किया जाता है पहले रिफाइन किया जाता है ताकि उसको हम यूज़ कर सकें एज अ मेटल या फिर एज अ फ्यूल जैसे कि कोल आयरन माइका कॉपर बॉक्साइड मैंगनीस गोल्ड ये सब कहाँ से मिलते हैं ये मिनरल्स हैं जो कि इंडिया में पाए जाते हैं ये सारे के सारे क्या हैं मिनरल्स हैं मिनरल्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाई कलर स्ट्रीक मतलब आप कलर्स से देख कर उसको बता सकते हो जैसे कि कोल इज रब्ड अक्रॉस द बैक ऑफ अ वाइट टाइल लस्टर द वे लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्राम इट सरफेस एंड हार्डनेस वेदर इट कैन बी स्क्रैब्ड विद द फिंगर नेल अ कॉइन नेल और स्टील सीजस मतलब आप मिनरल्स को कैसे कर सकते हो कलर स्ट्रीक देख सकते हो कि कोई कल जैसे कोल है जब इसको वो करोगे तो अक्रॉस द बैक ऑफ अ वाइट टाइल मतलब अगर आप वाइट टाइल पे भी क्या करोगे इसको रग रब करोगे तब भी ये ब्लैक ही रहेगा लस्टर करेगा मतलब चमकेगा अपने सरफेस से और हार्ड भी रहेगा ठीक है चाहे आप इसको कितना ही इसको स्क्रैप करके देख लो उसको खुरच कर देख लो मिनरल रिसोर्सेज इन इंडिया कैन बी कैटेगराइज इनटू टू ग्रुप्स अब जो मिनरल रिसोर्सेज हैं वो दो तो तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं इंडिया में मेटालिक और नॉन मेटालिक पहला है मेटालिक मिनरल्स मिनरल्स फ्राम विच मेटल्स आर ऑप्टेंड आर कॉल्ड और मिनरल्स वो जिनसे हमें मेटल्स मिलता है उनको हम क्या कहते हैं ओरस कहते हैं मेटालिक मिनरल्स और मेटल्स आर हार्ड एंड दे शाइन मतलब मेटालिक मिनरल्स या हम कह सकते हैं मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं और वो शाइन करते हैं लस्टर मीन्स क्या है? Shine होता है शाइन होता है दे कैन बी बीटन इन टू शीट्स इनको हम इन uh, इनके ऊपर अगर हम मार पड़ाएँ मतलब इनको बीट करें इनको पीटें तो क्या हुआ हम इनको शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं वायर्स बना सकते हैं और इनको हम मेल्ट करके कोई और शेप भी दे सकते हैं गोल्ड सिल्वर एल्युमिनियम कॉपर एंड आयरन आर एग्ज़ाम्पल्स ऑफ मेटालिक मिनरल्स अब गोल्ड सिल्वर एल्युमिनियम कॉपर जो है आयरन जो है ये मिनरल्स किसके किसकेग्ज़ाम्पल है मेटालिक मिनरल्स के एग्ज़ाम्पल है इंडिया हैज़ अ लार्ज रिज़र्व्स ऑफ आयरन और इंडिया के पास लार्ज रिज़र्व्स हैं आयरन और के लार्ज रिज़र्व मीनस ज़्यादा तादाद में पाया जाता है बहुत सारी रिज़र्व्स हैं इंडिया के पास मोस्ट ऑफ़ द आयरन माइंस ऑफ द कंट्री आर लोकेटेड इन द स्टेट्स ऑफ झारखंड उड़ीसा छत्तीसगढ़ कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश अब ज़्यादातर जो है आयरन माइन्स वो कहाँ पर है कंट्री की झारखंड उड़ीसा छत्तीसगढ़ कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में है आयरन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूज़फुल मेटल आयरन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूज़फुल मेटल है इट इज़ यूज फॉर बिल्डिंग ब्रिजेस अब ये ब्रिजस बनाने में यूज़ किया जाता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने में यूज़ किया जाता है यहाँ तक कि मशू मशीन्स टूल और यूटेंसिल्स बनाने में बर्तनों को बनाने में भी किसका यूज़ किया जाता है आयरन का यूज़ किया जाता है प्योर आयरन इज़ रादर सॉफ्ट इट इज़ यूजअली यूज इन द फॉर्म ऑफ स्टील प्योर आयरन जो होती है वो सॉफ्ट होती है और इसको यूज़ किया जाता है स्टील बनाने के लिए विच इज़ मच मच हार्डर आयरन और इस कन्वर्टेड इन आयरन एंड स्टील जो कि ज़्यादा हार्ड होती है और इसको कन्वर्ट किया जाता है आयरन और स्टील में और ये कहाँ पर हम कन्वर्जन जो हो रहा है ये कहाँ पर होता है फैक्ट्रीज़ के अंदर होता है सम ऑफ़ द मोस्ट फेमस आयरनस एंड स्टील प्लांट्स ऑफ इंडिया लोकेटेड इन अब आयरन प्लांट्स कहाँ पर है आयरन एंड स्टील प्लांट्स ये आपको पता होने चाहिए जमशेदपुर बोकारो भिलाई एंड दुर्ग, दुर्गापुर में क्या मिलते हैं इसके आयरन एंड स्टील प्लांट्स हैं अब बात कर लेते हैं हम नॉन मेटालिक मिनरल्स की नॉन मेटालिक मिनरल्स कौन से होते हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स आर सॉफ्ट एंड लैक लस्चर मतलब ये सॉफ्ट होते हैं लेकिन इसमें शाइनिंग बिल्कुल नहीं होती है दे कैन नॉट बी बीटन इन टू शीट्स इनको हम शीट्स में आ, मार पिटाई नहीं कर सकते इनके साथ और ना ही हम इनको वायर्स में बदल सकते हैं ना ही शीट्स में बदल सकते हैं कोल क्रूड ऑयल फ्रॉम विच वी गेट पेट्रोलियम नेचुरल गैस एंड लाइम स्टोन आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटालिक मिनरल्स जैसे कि कोल है क्रूड ऑयल है जिनसे हमें क्या मिलता है पेट्रोलियम मिलता है नेचुरल गैस और लाइम जो हैं वो नॉन मेटालिक मिनरल्स के एग्जाम्पल हैं कोल क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस आर नोन एज फॉसिल फ्यूल्स ये आपको पता होना चाहिए कि कोल क्रूड ऑयल और जो नेचुरल गैस है इसको हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं फॉसिल फ्यूल वो होते हैं जो हमें मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद ये बनते हैं और ये एक नेचुरल रिसोर्स है जो हमें नेचर से मिलता है और ये बहुत सारे जो फॉसिल्स होते हैं फॉसिल्स मीन्स जिन जैसे कि प्लांट कोई डेड हो गया या फिर कोई एनिमल मर गया तो उसके जो फॉसिल्स हैं वो गल सड़ के उनकी जो बॉडी वहीं रह जाती है फॉरेस्ट में तो वो टाइम टू टाइम क्या होती है वो ज़मीन के अंदर दबती रहती है दबती रहती है तो इसीलिए कहा है कि इसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं क्योंकि ये प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है तो उससे क्या बनता है कोल बनता है क्रूड ऑयल बनता है और नेचुरल गैस बनता है दे वर फॉमड मिलियंस ऑफ ईयर है गो फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्लांट्स और एनिमल्स जो डेथ हो जाती है जिनकी उनकी डेड रिमेन्स से बनता है ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है मतलब ये दोबारा से नहीं एकदम से बन सकती दिस मीन्स दैट दिस कैन नॉट बी क्रिएटेड अगेन ईजीली दे टेक ईयर्स टू रिन्यू ये मैं आपको ऑलरेडी सब कुछ समझा चुकी हूँ कि इनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है बनने में क्योंकि हमारे पास बहुत ही लिमिटेड अमाउंट है फॉसिल फ्यूल का जो कि अर्थ में है तो हमें बहुत ही केयरफुली इसको यूज़ करना चाहिए कोल इज़ यूज मेनली टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी कोल को हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं और इंडिया में कोल माइंस कहाँ पर है झारखंड वेस्ट बंगाल छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में क्या है कोल माइंस पाई जाती हैं क्रूड ऑयल कहाँ मिलता है इनसाइड द अर्थ डीप इनसाइड द अर्थ मतलब अर्थ के अंदर मिलता है और ज़्यादातर ये सी बेड के अंदर होता है डीप वेल्स नीड टू बी डक टू एक्सट्रैक्ट क्रूड ऑयल डीप वेल्स को क्या किया जाता है जितने भी गहरे वेल्स होते हैं उनको क्या किया जाता है डक किया जाता है उनको खोदा जाता है और फिर उसके बाद क्या निकाला जाता है वहाँ से क्रूड ऑयल निकाला जाता है इसीलिए उन वेल्स को हम क्या कहते हैं ऑयल वेल्स कहते हैं जो इंडिया के क्रूड ऑयल के रिजर्व्स हैं वो कहाँ पर हैं असम में हैं मुंबई हाई में हैं गुजरात में हैं और क्रूड ऑयल को प्रोसेस किया जाता है रिफ़ाइन किया जाता है प्योर बनाने के लिए तो उसके लिए ऑयल रिफाइनरीज में उनको रिफाइनरीज़ में लेकर जाते हैं ताकि उससे पेट्रोल केरोसिन डीजल और ये सब प्रोडक्ट्स हम बना सकें इंडिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑयल रिफाइनरीज कहाँ पर है मथुरा में है डिग्बाई में है अंकलेश्वर काम्बा खाम्ब एंड सिवा तो यहाँ पर क्या है आपकी ऑयल रिफेनरीज हैं नेचुरल गैस इज़ ऑफन फाउंड इन ऑयल वेल्स कभी कभी ही ऑयल वेल्स में नेचुरल गैस पाई जाती है और उसको फ्यूल की तरह क्या किया जाता है यूज़ किया जाता है मिनरल्स आर एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैंड्स नीड टू बी कंजर्व एग्जॉस्टिबल मतलब जो कि जल्दी से बन नहीं सकते नेचुरल हैं Only efficient utilization, recycling and use of improved technology for extraction and purification will help in conserving minerals. अगर हम efficiently use करें मतलब जितनी ज़रूरत है उतना use करें बहुत तरीके से use करें recycle करते रहें और उसको जो variety है उसकी technology है उसको improve करते रहें कि भाई जिस तरीके से हम extract कर रहे हैं प्योर कर रहे हैं किसी भी मिनरल को तो उसका जो टेक्नोलॉजी है अगर हम इसको इम्प्रूव करें तो तभी हम क्या कर सकते हैं इसको कंजर्व कर सकते हैं मिनरल को तो हम यहाँ पर कुछ देख लेते हैं कि मैं कौन कौन सा मिनरल कहाँ पर पाया जाता है जैसे कि आयरन और कहाँ मिलता है कर्नाटक झारखंड उड़ीसा छत्तीसगढ़ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मिलता है कोल कहाँ पर मिलता है झारखंड वेस्ट बंगाल मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ पेट्रोलियम के ऑयल रिजर्व्स और नेचुरल गैस कहाँ मिलता है असम गुजरात और मुंबई हाई में कॉपर का राजस्थान एंड झारखंड मैंगनीस का कर्नाटक उड़ीसा मध्य प्रदेश महाराष्ट्र गोवा माइका का आंध्र प्रदेश तेलंगाना राजस्थान एल्युमीनियम का झारखंड उड़ीसा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश महाराष्ट्र गुजरात एंड तमिलनाडु गोल्ड का कोलर माइंस कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में अगर आपने ये सब याद कर लिया और इसको याद करने के बाद आपको क्या करना है मैप में भी इसको फिल करना है कि कौन सी मिनरल हमें कहाँ पे पाए जाते हैं क्योंकि ये आपके सिक्स से टेंथ तक आपके रेगुलर रहने वाले हैं तो इसको अभी से आप याद करके चलो और मैप में भी इसको अच्छे से याद कर लो कि मैप में ये कर, ये कहाँ पर है ये सारी चीज़ें ठीक है जगह कहाँ पर है और कौन सी जगह पे क्या मिलता है ये आपके टिप्स पर होने चाहिए तभी आप कामयाब हो पाओगे इस तरीके से मैंने अपना चैप्टर तो कंप्लीट कर दिया आपको समझा दिया है समझ में आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना दैट्स ऑल फॉर नाउ थैंक यू